सो हे गाइज, माय नेम इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने शूज़ के साइज को मेजर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो गाइज, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आपको शू साइज को मेजर करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये तीनों चीजें आपके घर पे हो सकती हैं। तो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट चीज है वो है हमारा पेपर। तो ये पेपर है, जो ये पेज है, ये मैंने दो पेज को जोड़ के एक बनाया हुआ है, बिकॉज एक पेज छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने दो जोड़े हैं। और ये एक जुगाड़ है, अगर आप भी चाहे आप भी ये कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा पेन या मार्कर, ये भी आपको आपके घर पे इजीली मिल जाएगा। और जो थर्ड चीज़ है वो है हमारी स्केल। तो आपको ये स्केल है, ये भी आपके घर पे मिल जाएगी, अगर आपका कोई भाई बहन, मतलब कोई भी अगर स्टडी करता है उसके पास होगी। और जो अगर हम बात करें, एक और चीज़ है जो है मेजरिंग टेप, अगर आप चाहे इसका यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहे मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे मेजर करना है और कैसे मतलब अपना साइज है उसे पता करना है। तो गाइज, आपको सबसे पहले जो ये पेज है इसको आपको जमीन पे रखना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर अपना जो पैर है उसे रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे जो भी आपका टॉप है, यानी कि जो आपका अंगूठा है या जो फिंगर है, किसी किसी का होता है कि फिंगर बड़ी होती है, किसी का अंगूठा बड़ा होता है, जो भी चीज मतलब सबसे ऊपर है यानी कि जो सबसे बड़ी है, आपको वहीं से मेजर करना है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरा अंगूठा है वो बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा कि उसके बाद मैं अपने अंगूठे के आगे रखूंगा एक स्केल को और वहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। और जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो उसके बाद मैं अपने जो हील साइड है यानी कि जो बैक साइड है पैर की, मैं वहां भी यही सेम प्रोसेस करूंगा, यानी कि स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे मेजर। और मेजर करने के लिए आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्केल को रखना है जीरो पे, यानी कि जीरो से आपको जो वो लाइन है उसको जीरो के ऊपर लिखना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कितना हमारा जो फुट साइज है वो आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फुट साइज है वो आ रहा है 27 सेंटीमीटर। गाइस, हमने जो अभी अपने फुट का मेजरमेंट किया है वो आ चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 27 सेंटीमीटर। तो आपको अपने दोनों फुट का मेजरमेंट करना है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों का। उसके बाद आप देख लीजिए कितना सेंटीमीटर आता है, बिकॉज आपका लेफ्ट और राइट लेग दोनों मतलब थोड़ा थोड़ा आपका अंतर आता है, यानी कि डिफरेंस होता है, तो आप वो देख लेना। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको क्या करना है, तो मान के चलिए यहां पे आया आपको 27 सेंटीमीटर, तो आपको 1 सेंटीमीटर और ऊपर कर लेना है। यानी कि अगर 27 आए तो आप कर लेंगे 28, अगर 28 आए तो आप कर लेंगे 29। आप पूछेंगे कि ये हम क्यों करें, क्योंकि हमारा साइज तो इतना आया और ये हमारा एक्यूरेट है, लेकिन नहीं। तो मान के चलिए अगर आप 27 सेंटीमीटर वाला जो शूज़ है उसे मंगाएंगे, तो अब क्या होगा कि इससे आपका जो जूता है यानी कि जो शूज़ है वो आपको टाइट या फिट बिल्कुल आएगा, और ये आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, यानी कि जब आप चलेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको एक साइज़ ऊपर मंगवाना है। तो मान के चलिए 27 है, तो मैं 28 सेंटीमीटर वाला जो प्रोडक्ट है या जो शूज़ है वो ऑर्डर करूँगा। तो आपको भी यही चीज़ सेम करनी है। और अगर आप सैंडल्स वगैरह मंगवा रहे हैं, अगर आप स्लीपर्स मंगवा रहे हैं, तो ये आपके लिए साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, बिकॉज स्लीपर्स में तो आपको ये साइज़ चल जाएगा, लेकिन शूज़ थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए आपको एक नंबर ज़्यादा मंगवाना है। तो गाइस, जब आपका फुट का साइज़ आ जाए, यानी कि आप जब उसे मेज़र कर लो, तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो साइज़ है उसे कैसे सिलेक्ट करना है साइज़ चार्ट के अंदर। तो मान के चलिए अगर मैं अमेज़ोन पर जाता हूँ और वहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट है यानी कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, मान के चलिए मैन शूज़ है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शूज़ है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जब आप नीचे वाली साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा साइज़ चार्ट, तो आपको साइज़ चार्ट पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फुट लेंथ, यानी कि सेंटीमीटर के अंदर। तो आपको देखना है कि आपका मतलब कितना आया था, तो उसके हिसाब से आपको मंगाना है। गाइज, मान के चलिए मेरा आया था 27, तो आपको थोड़ा बड़ा साइज़ मंगाना है जो मैंने अभी बताया था। तो अगर आपका 1 सेंटीमीटर बड़ा नहीं मंगवाना चाहते, तो आप मतलब जो भी उससे रिलेट करता है यानी कि जो भी उसके क्लोज हो आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 27.5 देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, वो मिलते हैं 27.5 और 28.5। अब 28.5 है वो बहुत बड़ा हो सकता है मेरे साइज, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं 27.5 अपना जो साइज है उसे सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे 27.5 पे आता है हमारा 7 नंबर, तो यहाँ पे आपका जो 7 नंबर है शूज़ का वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होगा। तो ये चीज़ है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और हर एक मतलब ब्रांड का अलग अलग एक साइज़ चार्ट होता है, तो आप देख लेना, कोई अगर शूज़ है वो आपको 7 नंबर आता है तो कोई आपको 8 नंबर आएगा, कोई 9 नंबर आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं जाऊँ फ्लिपकार्ट पे और मैं फ्लिपकार्ट पे भी एक शूज़ देख लेता हूँ, तो उससे आपको भी पता लग जाएगा कि क्या है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको जो साइज चार्ट है ये मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइज चार्ट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मतलब कितनी लेंथ आई थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे 27 आपका है, तो मैं यहाँ पे 28 पे जाऊँगा बिकॉज एक साइज मुझे ऊपर लेना है। तो मैं डिसाइड करूँगा 9 साइज, यानी कि मैं 9 साइज को मंगाऊंगा यहाँ पे, तो ये मेरे लिए परफेक्ट होगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन है यार मैं कौन सा साइज सिलेक्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगा और मैं हो सकता है आपको बता दूँ कि कौन सा साइज आपके लिए सही है और कौन सा नहीं, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए कौन सा नहीं। तो यार आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करना। और गाइज होपफुली आपको ये वीडियो ना पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना था, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।